एग्जाम्पल्स भी हैं। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो अपने रिसोर्सेज हैं। हम रिसोर्सेज को वाइज यूज़ भी कर सकते हैं, और हम एक बहुत जो गलत काम इस वक्त चल रहा है वो एक तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं बहुत स्पीड से, हम एक दैट इज़ बेसिकली अ वेस्टेज। हम यूज़ करना तो ज़रूरी है उसको, बट हम सम टाइम जो है रिसोर्सेज को वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और दैट विल लीड टू द डिप्लीशन ऑफ अ रिसोर्स, जिसमें रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा और देन हमारे पास और कोई ऑप्शन बचेगी नहीं। और इसके साथ ही हम बहुत सारे रिसोर्सेज जो है उनको पल्यूट कर रहे हैं। हम दो एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे अगर आप रिवर रावी की एग्जाम्पल है, हम बहुत दफ़ा एग्जाम्पल्स कोट कर चुके हैं, दैट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। हमारा बहुत सारा इरीगेशन सिस्टम इसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा बहुत सारा एग्रीकल्चर एरिया जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हम रिवर रावी के अंदर पूरे लाहौर का वेस्ट वाटर एंटर कर रहे हैं, और इसके साथ और बहुत सारा एरियाज़ का भी वेस्ट वाटर इसके अंदर जाता है, और अल्टीमेटली हमने उसको पोल्यूट कर दिया। अब जो पोल्यूटेड वाटर है दैट इज़ नॉट अ रिसोर्स, वो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, वो अल्टीमेटली इकोसिस्टम को भी ख़राब करेगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी वहाँ पर डैमेज करेगा, ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन्स, और उसकी बेस के ऊपर जो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं वो भी काफ़ी टॉक्सिक हो जाएगी, कंटामिनेटेड हो जाएगी। आजकल जो है वो एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि कराची के अंदर बहुत सारे नाले हैं जिनके साथ जो एग्रीकल्चर एरिया वो नालों से पानी जो है वो उन खेतों में डाला जाता है, जैसे द पोल्यूटेड वाटर, और उस पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो है कुछ सुओ मोटोज भी चल रहे हैं, और कुछ जो है उसके ऊपर और काम भी लिटिगेशन के अंदर चल रहे हैं। बट दैट इज़ बेसिकली एरिया जहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज जो है उनको पोल्यूट कर रहे हैं। इसकी एक और एग्जांपल आप कोर्ट देखिए, हम जो सीएनजी यूज़ कर रहे थे बहुत धड़ाधड़ हमने यूज़ की 2000 के बाद जो है, हमें मतलब हमने अपने पूरे जो हमारा ये नेचुरल गैस है जिसको हम सुई गैस भी कहते हैं, उसी को हमने यूज़ करना शुरू किया इंडस्ट्री के अंदर, उसी को हमने यूज़ करना शुरू किया अपने ये सीएनजी पंप्स के अंदर। और 2015 और उससे थोड़ा सा पहले जो है वो फिर हमें पता लगा कि गैस जो है वो अब ख़त्म हो गई है, वो हमें जी एलएनजी इंपोर्ट कर रहे हैं, कभी हम जो है वो कोई और चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा पूरे का पूरा वो नेटवर्क जो है सीएनजी का, और जो ट्रांसपोर्टेशन हमारी गैस पे चल रही थी या सीएनजी पे चल रही थी, वो हमें वाइंड अप करना पड़ा सारा प्रोसेस, क्योंकि वो रिसोर्स जो है वो डिप्लीट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्स जो है हम किस तरह से उसको यूज़ करेंगे, हम कैसे उसमें मैक्सिमम एडवांटेजेस ले सकते हैं, और कैसे हम उसमें लॉसेज जो है या वेस्टेज जो है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं।